हेलो, वेलकम टू माय किचन। आज मैं सिखाने जा रही हूँ रबड़ी, खुरचन वाली रबड़ी, जो कि कभी भी बनाई जा सकती है अपने लिए, त्योहार पे या किसी और के लिए। बनाने में बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है। चलिए, ये देखिए, मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम दूध है, जिसको मैंने उबालने रख दिया है। ये जब एक उबाल आ जाएगा तब हम गैस को थोड़ा स्लो कर देंगे। अभी इसमें बॉयल नहीं आया है। ये मैंने 3 चम्मच चीनी ली है, ये कुछ बादाम है, आप पिस्ता भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट अपने अकॉर्डिंग। और ये इलायची पाउडर है, पाउडर ना हो तो आप 5-6 इलायची को बारीक पीस सकते हैं। चलिए, उबाल आने तक हम इसकी वेट करेंगे। उबाल आ जाएगा तब हम थोड़ा इसको स्लो कर देंगे। और ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेती है। कुछ अच्छा खाना है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। जब तक ये दूध बॉयल हो रहा है, हम थोड़े बादाम को बारीक बारीक काट लेते हैं। आप चाहे तो इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं या काजू भी डाल सकते हैं, पर ज़्यादातर बादाम और पिस्ता ही इसमें अच्छे लगते हैं। देखिए, बारीक बारीक हमने लंबा लंबा इसको काट लिया है। ये बिना ड्राई फ्रूट के भी बहुत अच्छी लगती है रबड़ी। ये इस तरीके से हम सारे काट लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक। देखिए, दूध में उबाल आ गया है। अब हम इसे गैस को सेम कर देंगे और इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। हम छोड़ेंगे इसे नहीं, क्योंकि नीचे लग ना जाए। हम कड़छी को अच्छे से नीचे तक ले जाएंगे ताकि दूध लगे ना, और हम इसके लिए एक भारी बर्तन लेंगे ताकि दूध जल ना जाए, तो इसका हमें ध्यान रखना है। देखिए, दूध के ऊपर हल्की हल्की मलाई आने लगी है, इसको हम साइड में चिपका देंगे कढ़ाई के। देखिए, जितनी भी मलाई आ रही है हम इसको साइड में चिपकाते जाएंगे, ये जम जाएगी अच्छे से परते इसकी। कुछ भी आप इसके लिए स्टिक, कोनी या कुछ चाकू ले सकते हैं लंबा। ये देखिए, हम उसे इसको साइड में करते रहेंगे और बीच वाली हम पोर्शन को हम हिलाते जाएंगे। धीरे धीरे ये मलाई जमती रहेगी और हम इसको साइड में लगाते जाएंगे। देखिए, मलाई हमारी काफ़ी जम चुकी है, अभी हमने इसे और जमाना है। करीब दूध जब तक हमारा 250 या 300 ग्राम ना रह जाए, इसको साइड में हम जमाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। चारों साइड में हम देखिए जमा रहे हैं इसको। दूध हमारा कम से कम 300 या 250 ml होना चाहिए। तो अभी हमें और पकाना है, इसी तरह हम मलाई को जमाते रहेंगे। और दूध हमने थोड़ा ना 2 मिनट बाद हिलाना है ताकि उसके ऊपर मलाई जमती रहे। और हमें गैस को सिम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना, क्योंकि अगर ऊपर से गर्म रहेगा तो ये मलाई नहीं जम पाएगी। देखिए, दूध हमारा 250 ml रह गया है और कितना गाढ़ा हो गया है। देखिए, दूध और मलाई भी कितनी अच्छी जम गई है। अब हम इसमें चीनी डालते हैं। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए, कम मीठा खाते हैं तो कम डालिएगा। देखिए, इसके साथ ही हम इलायची पाउडर भी डाल देते हैं थोड़ा सा, और इसको जब तक हम चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी इसकी मेल्ट ना हो जाए। देखिए, कितनी अच्छी साइड में मलाई जमी है। ये इलायची पाउडर हमने डाल दिया, अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और इसको जब तक मिलाएंगे जब तक हम चीनी मेल्ट ना हो जाए, और इसको ठंडा करने के लिए हम रख देंगे। चीनी मेल्ट हो रही है, जब तक हम वेट करेंगे इसका। चीनी मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसे गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। देखिए, कितना अच्छा कलर आया है इसमें, बहुत ही अच्छी बनी है ये खुरचन। इसको हम ठंडा करेंगे अब थोड़ी देर के लिए, 20 मिनट करीब। देखिए, ये हमारी रबड़ी ठंडी हो गई है। अब हम इसे एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। कितनी अच्छी रबड़ी बनी है, एक बार इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट्स करिएगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, बताइए मुझे कैसी बनी है। देखिए, अब हम इसको मलाई को हम निकालेंगे। देखिए, अच्छे से इसको, ये देखो कितना अच्छा लच्छा बना है। ये देखिए, कितना अच्छा लच्छा बना है।
और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, फीका और उसका मीठा। इसमें हम इसको मिक्स कर देंगे, सारी मलाई को हम फुरच के निकाल लेंगे। इस तरीके से कितने बड़े बड़े लच्छे बने हैं, देखिए कितने बड़े बड़े लच्छे बने हैं ये। अब हम इसको सारा इसमें डाल देंगे अच्छे से। बहुत ही खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। और इसको हम इसके साथ बादाम के साथ गार्निश करेंगे और इसको फ्रिज में ठंडा करके हम खाएंगे। मिक्स कर लेंगे सर्व करने से पहले। देखिए एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।